हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं आपके साथ ऑलवेज इन माय हार्ट का सेकंड पार्ट शेयर कर रही हूँ और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो है वो उसे ना चाहते हुए भी रेस्टोरेंट से वापस जाना पड़ता है। वांग जी ना यहाँ पर, मैं आप सबको ना उनकी एज वगैरह बता देती हूँ, ठीक है? तो वांग जी यहाँ पर 26 साल का है और वींग 22 साल का है। युआन जो है वो अभी 19 साल का है। लैन शिचेन 28 साल का है। लैन शिचेन की शादी ना वेंचिंग के साथ हो गई है और 2 साल हो गए उनकी शादी को, और अभी वेंचिंग जो है वो प्रेग्नेंट भी है। इसीलिए अंकल चिरैन अब वांग जी के पीछे पड़े हुए हैं ताकि जल्दी से वो भी शादी कर ले। इसलिए वो एक हफ्ते में ना दो दो बार वांग जी को ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं, और उसके लिए उन्होंने तो डे भी फिक्स कर रखे हैं कि किस किस दिन वो ब्लाइंड डेट पर जाएंगे। जैसे कि पहली डेट उनकी होगी मंडे को और दूसरी होगी फ्राइडे को। आज वांग जी की फर्स्ट डेट थी और आज मंडे था और उसकी डेट काफ़ी अच्छी भी रही है, और अब उसे फ्राइडे को जाना है। और अब चलते हैं हमारे प्यारे से विंग के पास। विंग जो है वो बेचारा खुद से कुकिंग किया करता था अपने रेस्टोरेंट में, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे जितने अब आने लगे हैं। पहले तो वो खुद से कुकिंग करके सब हैंडल कर लेता था, लेकिन अब इतने ज़्यादा कस्टमर आने लगे हैं कि उससे हैंडल नहीं होता और अब उसे शेफ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब विंग जो है वो अपने रेस्टोरेंट से बाहर आता है और अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बोलता है, कहाँ हो तुम? एक साल हो गया है मैंने तुम्हें देखा नहीं है। और तुम्हारी सिस्टर वो कहाँ है? वो तो मेरा कॉल भी नहीं उठाती, और तो और वो मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो दूसरा पर्सन कहता है, वो मैं थोड़ा सा बिजी था। विंग कहता है, क्या क्या तुम बिजी थे? तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि तुम मुझे कॉल कर सको? अरे हाँ, तुम मुझे कॉल कैसे करते? तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी थे ना। तुम इतना बिजी थे कि मुझे तो भूल ही गए। वो पर्सन कहता है, सॉरी ना विंग, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? इस एक साल में मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया है। तो विंग कहता है, क्या हुआ है? तुम दोनों ठीक तो हो ना? कहीं वेंचिंग उसे तो कुछ नहीं हो गया क्या? इसीलिए वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती? वैनिंग जल्दी बताओ क्या हुआ है, मुझे जानना है। तो वैनिंग कहता है, नहीं विंग, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, सब ठीक है। विंग पूछता है, वेंचिंग उसकी लाइफ कैसे चल रही है? वो खुश तो है ना अपने हस्बैंड के साथ? वेंचिंग बोलता है, हाँ वो बहुत खुश है। विंग कहता है, हाँ होगी भी क्यों नहीं, हस्बैंड ही उसका इतना अच्छा है। ओह माय गॉड, वो कितना हैंडसम है ना, एकदम सुलझा हुआ सा, बातें भी कितनी प्यारी प्यारी करता है। इतना हैंडसम होने के बाद भी उसके अंदर ज़रा सा भी एटीट्यूड नहीं है यार, कितना मस्त है ना वो। वो तो ना एकदम किसी तारे की तरह है, जैसे कि तारा चांद के पास रहते हुए ज़रा सा भी घमंड नहीं दिखाता, वैसे ही है वो, बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाता इतना हैंडसम होते हुए। और कुछ तारे इतने घमंडी होते हैं कि जल्दी ही टूट जाते हैं, और ये दुनिया उसी घमंड से भरे टूटते हुए तारे को देख करके विश मांगती है, जैसे कि वो टूटा हुआ तारा उनकी विश पूरी कर देगा। विंग की ये सब बातें सुनकर वैनिंग कहता है, ओ माय गॉड विंग, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी बिल्कुल पहले की तरह हो। किसी को हंसाते कैसे हैं, रुलाते कैसे हैं, मनाते कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी के साथ फ्लर्ट कैसे करते हैं, ये सब कुछ ना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। वैनिंग कहता है, ओ माय गॉड, क्या ये सब सच है? तो बताओ ना मैं कब आऊँ? वैसे भी मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट में काम करता तो हूँ, पर यहाँ पर ना मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं बोर हो जाता हूँ, तो तुम बताओ ना कब आऊँ मैं। विंग कहता है, ओह तुम्हें याद है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। तो वैनिंग कहता है, मैं कैसे नहीं मानता, और वैसे भी हम सब ने तो बहुत पहले से ही डिसाइड किया था ना कि जब तुम अपना रेस्टोरेंट खोल लोगे तब हम सब मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो वैसे भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम तुम्हें निराश करें। तो यहाँ पर ना मैं आपको बता देती हूँ कि विंग के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी ये सब साथ में पढ़ा करते थे, जैसे सोंगलैन, शाओ चिंग चैंग,
वेनिंग, वेंजिंग और जितने भी आगे हमें पता चलेंगे, इन सब ने ना मिलकर डिसाइड किया हुआ था कि जब विंग अपना रेस्टोरेंट खोल लेगा तब ये सब मिलकर विंग की हेल्प करेंगे, मतलब एक साथ काम करेंगे और मस्ती भी करेंगे। दरअसल बात क्या थी ना कि विंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया करता था, कैसे दिन रात काम करता था, ठीक से सो भी नहीं पाता था, और जब अगले दिन क्लास में आता था तब उसके आईज के नीचे ना ऐसे बड़े बड़े डार्क सर्कल आ जाते थे, और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा थक जाता था कि वो क्लास में ही सो जाया करता था। और विंग के जितने भी फ्रेंड्स थे ना वो सब मिलकर ना उसे बहुत ज़्यादा डांटा करते थे, क्योंकि विंग अपना ख्याल ठीक से नहीं रखता था ना। उसके कई बार ना उसके फ्रेंड्स ने उसे हेल्प भी ऑफर की पर विंग बार बार मना कर देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी फ्रेंडशिप के बीच में किसी भी तरह की दरार आए। दूसरा वो कि सब कुछ खुद से करना चाहता था, जिसके लिए उसे उसके फ्रेंड्स भी मोटिवेट किया करते थे। और उसके जो फ्रेंड्स थे ना वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे। इसीलिए ना जब विंग अपना ख्याल नहीं रखता था तब उसके फ्रेंड्स उस पर काफ़ी गुस्सा करते थे। और जैसे कि हम किसी को पसंद करते हैं तो सबकी अलग अलग वजह होती है ना पसंद करने की, जैसे जब कोई ज़्यादा हैंडसम हो तो वो हमें पसंद आ जाता है, या ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, या फिर कोई सिंगिंग अच्छी करता हो, या डांस अच्छा करता हो। और जैसे कि कोई किसी के पैसों के पीछे पड़ जाए कि भाई वो तो ज़्यादा अमीर है, ऐसे ही हर किसी की पसंद करने की वजह अलग अलग होती है ना। वैसे ही जो विंग है ना वो पैसे वाला तो था नहीं, पर वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था, उसे सिंगिंग भी कर लेता था, डांस भी कर लेता था, और इससे अलग वो कुकिंग भी कर लेता था, काफ़ी अच्छे से कर लेता था, और वो फ्लूट बहुत अच्छी प्ले करता था। इससे अलग वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी था, और सबसे बड़ी बात कि वो हार्डवर्क किया करता था और बिल्कुल भी हार नहीं मानता था, और इसी वजह से विंग को सब पसंद किया करते थे। चलिए अब स्टोरी में चलते हैं। विंग वैनिंग को एड्रेस सेंड कर देता है और वैनिंग कहता है कि मैं कल आ जाऊँगा। अब टाइम स्कीप होता है और आज फ्राइडे है। वैनिंग जो है वो अब विंग के रेस्टोरेंट में कुकिंग किया करता है, और शुयंग जो कि विंग का ही एक फ्रेंड है वो भी वैनिंग के साथ कुकिंग करता है। अब 11 बज जाते हैं। शुयंग जो है वो विंग को बोलता है जल्दी जाओ, जो जो लिस्ट में लिखा है वही लाना, फालतू की चीज़ें मत उठा लाना। विंग कहता है तुम्हें ये लिस्ट मुझे कल रात को देनी चाहिए थी, सुबह घर से आता हुआ मैं ले आता, अब इसके लिए मुझे अलग से जाना पड़ेगा। तो शुयंग हाथ जोड़कर कहता है अच्छा बाबा मेरी गलती है, मुझे ये कल रात को देनी चाहिए थी, पर मैं भूल गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहता है ठीक है अभी माफ़ी मांगने का ड्रामा मत करो, मैं जा रहा हूँ। अब शुयंग ना विंग को कुछ बोलने वाला था पीछे से, तभी विंग कहता है हाँ 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 ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा, यहाँ तुम सब संभाल लेना। और अब वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। जैसे ही विंग बाहर आता है तब उसे दिखाई देती है एक रेड कलर की कार जिसमें से वांगजी निकलता है, उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी। जैसे ही विंग वांगजी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और मन में कहता है मैंने दूसरी बार कोई इतना हैंडसम मैन देखा है, वैसे ये उससे भी ज़्यादा हैंडसम है, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, अगर मैं कोई लड़की होता तो ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। दूसरी तरफ वांगजी जब देखता है कि विंग उसी की तरफ देख रहा है तो वांगजी हैरान हो जाता है और कहता है मन में कहता है मुझे क्या वो मुझे देख रहा है, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना। तभी कार की दूसरी साइड से एक लड़की निकलती है और वो ना वेट कर रही थी कि वांगजी आएगा मेरे लिए डोर ओपन करेगा, पर जब वांगजी नहीं करता तो उस बेचारी को खुद से बाहर आना पड़ता है। जैसे ही विंग देखता है कि उसके साथ एक लड़की भी आई है तो वो वहाँ से चला जाता है। विंग यही सोच रहा था अगर मैं लड़की होता और वो मेरा बॉयफ्रेंड होता तो क्या वो मुझ पे चीट करता, नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ, लगता है मैं ज़्यादा काम करने की वजह से पागल हो गया हूँ। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी ये सोच रहा था विंग कहाँ चला गया। वो लड़की जो वांग जी के साथ आई थी वो बोलती है क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद है, तो वांग जी कहता है हाँ चलो अंदर चलते हैं। अब वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अपना खाना ऑर्डर करते हैं। अब की बार उन्हें शुयंग सर्व कर रहा था और वांगजी शुयंग से पूछता है कि
वींग कहाँ है? शुएंग बोलता है, क्या? तो वांग जी कहता है, वो आपका ओनर। तो शुएंग कहता है, ओ वींग, आप उसे जानते हो? वांग जी कहता है, मैं वो शुएंग कहता है, आपको उससे कुछ काम है? आप मुझे बोल सकते हो, मैं उसका फ्रेंड हूँ। वो लड़की जो वांग जी के साथ आई हुई थी, वो शुएंग से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो? मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम बुला लेंगे। अब शुएंग को उस लड़की पर गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ कहता नहीं है, आराम से चला जाता है। अब वो लड़की वांग जी से बात करने लगती है, जैसे ही उस मतलब कि उससे पूछने लगती है उसकी पसंद नापसंद, पर वांग जी का ध्यान तो बस बार बार कभी उसके वॉच की तरफ और कभी बाहर की तरफ जा रहा था। रेस्टोरेंट की जो वॉल्स थी ना, वो कांच की थी, जिसमें से आर पार सब दिखाई दे रहा था। और वो लड़की, उसे तो वांग जी पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था। तो वो लड़की कहती है कि मेरा तो हो गया, चलो चलते हैं। वांग जी, जिसका ये सुनकर पूरा का पूरा मुंह ही उतर गया। बेचारा वांग जी, जिससे मिलने आया था उसे मिल ही नहीं पाया, और अब उसे मिले बिना जाना होगा। वो बिल पे करता है और अब आखिरी बार वो बाहर की तरफ देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वींग आ गया था। अब वांग जी क्या करता है ना कि वो अपना पेट पकड़ता और नीचे फ्लोर पर ही बैठ जाता है। वो लड़की उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वांग जी कहता है, वो मेरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो लड़की कहती है, क्या, पर तुमने पकड़ तो पेट को रखा है। अब वींग अंदर आता है और जैसे ही वो वांग जी को नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ देखता है तो उसके हाथ में जितने भी सारे बैग्स थे ना, वो सबको साइड पर रखता है और वांग जी के पास आता है और उसे शोल्डर से पकड़ के उठाकर चेयर पर बिठाता है और उसे पूछता है, क्या आपका पेट खराब है, क्या आपका पेट खराब हो गया है? तो वो लड़की जो है वो कहती है, नहीं, इनके सर में दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग को झटका लगता है और वो वांग जी के हाथों की तरफ देखता है और अब उसे हंसी आ रही थी पर वो हंस नहीं रहा था। वो वांग जी से पूछता है, आपने पेट को क्यों पकड़ा है? तो वांग जी कहता है, क्या? तो विंग फिर से बोलता है, आपने अपने पेट को क्यों पकड़ रखा है? अगर आपको सिर में दर्द है तो अपने पेट को क्यों पकड़ा हुआ है? तो वांग जी जो है वो कहता है, मैं थोड़ा सा जल्दी में था और मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने सिर की जगह पेट पकड़ लिया। वांग जी की ये बात सुनकर विंग, जो कि अब बेचारा खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वांग जी उसकी तरफ बड़ी प्यार से देख रहा होता है कि यार ये हंसता हुआ कितना क्यूट लग रहा है। और ऐसा देखते हुए वांग जी जब विंग को देखता है, विंग उसे देख करके और ज़्यादा हंसने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जब विंग हंस करके चुप हो जाता है तब वो वांग जी को कहता है, मुझे लगता है आप रात भर ठीक से सोए नहीं हो, आपको नींद पूरी लेनी चाहिए, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो विंग जाने लगता है तो वांग जी कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है, क्यों, पर आपके तो सर में दर्द है ना? तो वांग जी कहता है, नहीं, वो मेरे सर में दर्द था, अब नहीं है। तो विंग कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ पहले से, वो मुझे सर में दर्द नहीं हो रहा था, वो मुझे चक्कर आ रहे थे। तो विंग बोलता है, अच्छा, ओ तो इसलिए आपने अपना पेट पकड़ लिया था। और विंग फिर से हंसने लगता है। अब वो लड़की जो है वो कहती है, अगर अब तुम ठीक हो तो क्या हम चलें? तो वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, चलते हैं। तो अब वांग जी निकल जाता है और विंग कहता है, अपना ख्याल रखिएगा कहीं आपको चक्कर ना आ जाए। तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और बाहर निकल जाता है। वांग जी जो थे उसके ना ईयर्स एकदम रेड हो गए थे और चिक भी बिल्कुल पूरे टमाटर की तरह हो गए थे उसके। और अब फिर से वांग जी को उस दिन की तरह फिर से ना चाहते हुए जाना पड़ता है। ओके गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।